डियर स्टूडेंट्स डू यू नो द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्ट दिस चैप्टर आप क्या इस स्टोरी जो ऑफिस मेमोरेंडम से कनेक्टेड थी दैट इज स्टार्ट इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर डू यू रिकॉल दैट आपको याद होगी वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नाट टेक decisions. Uh, as you already know, the joint secretary who signed or put his sign on the papers, uh, he was uh, not taking uh, this decisions. He was only uh, educating the policy decision taken by someone else. Uh, हीज टू इम्पलीमेंट द पॉलिस डिजन्स टेकन बाई द सम्स यूनाइटेड दैट द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग द डिशीजन्स आपको पता है कि ये डिशीजन uh, जो है दैट वेकन बाई द प्राइम मिनिस्टर्स वैन वैन दे द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट बट यू आल्सो नो दैट ही कुड नाट हैव टेकन दैट डिशीजन he did not नोट हैव द सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स वाज अनेबल टू टेक द डिशीजन ऑफ दैट ऑफ दैट डिशीजन्स इफ पार्लियामेंट डि नॉट सपोर्ट दैट अगर पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं करती तो प्राइम मिनिस्टर वाज ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ फॉर टेकिंग डिशीजन ये आपको पता ही है कि पार्लियामेंट जो थी वहाँ डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था डिबेट एंड डिस्कशन में पार्लियामेंट हैट हैिवन इट सपोर्ट्स टू तो, टू तो, प्राइम मिनिस्टर्स दैट्स वाई हु सेक्रेटरीमेंट दिस पॉलिसी दिस पॉलिसी ही वाज ओनली एजुकेटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट वो केवल पार्लियामेंट की विशेज को ही इम्प्लीमेंट कर रहा था थर्स एट द डिफरेंट लेवल ऑफ एन गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर जो फंक्शनरीज हैं दो डिसीजंस जो डे टू डिसीजन लेती हैं बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल्स लेकिन वो सुप्रीम पावर्स को, को एक्सरसाइज नहीं करते लोगों के बिहाफ पर ऑल दिस टाइप ऑफ फंक्शनरीज आर कलेक्टिव नोन एज द एजुकेटि और इसको जो है हम एजुकेटिव बोलते हैं दे आर कॉल्ड एजुकेट्स बिकॉज दे आर इंचार्ज ऑफ द एजुकेशन एजुकी एजुक्यूशन्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट उनको एजुकेटिव कहा जाता है बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गमेंट वी वैन वैन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन्स द एजुकेटि जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब द एजुकेटिवस होता है Uh, they are the two type of the um, executives, so one is the politicals and other one is the permanent executives in a democratic country, there are the two categories um, make up the executives, one that is elected by the people for a, uh, a specific period of time. This is known as the political executives, political exec executives uh, hold the political post uh, पोलिटिकल लीडर्स हो टेक द बिग डिजन्स फॉल्स इन दिस कैटेगरी पोलिटिकल लीडर जो हैं वो पोलिटिकल एग्जीक्यूटि की कैटेगरी में आते हैं दो दिग डिजन्स इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल्स आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेस दूसरी कैटेगरी में जो वो लोग होते हैं दोज आर अपॉइंटेड बाई द गोर्नमेंट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेस लॉन्ग टर्म बेस अपॉइंट किए जाते हैं दे आर नोन एज द परमानेंट एग्जीक्यूटि सिविल सर्वेंट और इनको जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज के लोग बोला जाता है पर्सन वर्किंग इन द सिविल पीपल आर डूइंग द वर्क इन सिविल सर्विसज इज नोन एज द सिविल सर्वेंट दे रिमेन इन द ऑफिस इवन वैन द रूलिंग पार्टी चेंज और जो परमानेंट एजुकीवस हैं दे कंटिन्यूस डू वर्क इवन इफ द रूलिंग पार्टी चेंज दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर द पॉलिटिकल एजुकेटि एंड असिस्ट दैम ये जो ऑफिसर्स हैं ये पॉलिटिकल एजुकेटिवस को सपोर्ट करते हैं दे गिव देर असिस्टेंस टू दैम इन कैरिंग आउट द डे टू डे वर्क डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यू ऑलरेडी रिकॉल द रोल ऑफ़ द पोलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एजुकेटेशन केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम आपने आपको ये याद होगा कि वाट वाज द रोल ऑफ द पोलिटिकल एंड नॉन पोलिटिकल एजुकेटेज इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम इफ इट इज़ आस्क फ्राम द पोलिटिकल एजुके दैन द नॉन पोलिटिकल एजुकेटिव अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो है पॉलिटिकल एजुकेटि दे आर द मोर पावरफुल्स इन कंपरिजन ऑफ द नॉन पॉलिटिकल एजुकेटि तो हम ये कहेंगे जो पॉलिटिकल पोस्ट होल्डर्स होते हैं दे आर द मोर पावरफुल भाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल दैन द सिविल सर्वेंट वो सिविल सर्वेंट से ज़्यादा ताकतवर क्यों होते हैं द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट सिविल सर्वेंट जो आते हैं वो इन कंपेरिजन ऑफ द मिनिस्टर्स दे आर द मोर एजुकेटेड एंड दे आर द मोर एक्सपर्ट्स एंड हैज़ द ग्रेट नॉलेज इन सब्जेक्ट्स दे ओनली गिव द एडवाइज टू दोलिटिकल पोस्ट होल्डर्स और मिनिस्टर्स The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. As you already know, the advisors who give the advice to finance ministry, he has the deep knowledge about the economics in comparison of the. फाइनेंस मिनिस्टर समटाइम्स द मिनिस्टर मी नो वेरी लिटिल अबाउट और कभी कभी जो है मिनिस्टर बहुत कम जानता है उसके बारे में इकोनॉमिक्स के बारे में द टेक्निकल मैटर दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री टेक्निकल मैटर जो होते हैं वो उसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं दे कुड इजिली हैपन इन मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस इंडस्ट्रीज हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी माइनिंग एट्सट्रा वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल ऑन द ऑन दीज मैटर्स और ये मिनिस्टर uh, जो है वो हर uh, मैटर पर जो है उसकी फाइनल से क्यों होती है यानी कि ही हैज द फाइनल अथॉरिटी इन टेकिंग द डिसीजन द रीजन इज वेरी सिम्पल इन डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पावर इज सुप्रीम जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोगों की इच्छाएं हैं लोगों की होप एस्परेशन दे आर द सुप्रीम द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स मिनिस्टर को जो है लोगों लोगों के द्वारा चुना जाता है एंड थस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल्स और इसीलिए जो है उसको एम्पावर किया जाता है जिस सो दैट द मिनिस्टर्स में एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल्स लोग की इच्छाओं को जो है एक्सरसाइज कर सके ऑन देअर ब्यूहाफ सी इज फाइनली आंसेबल टू द पीपल्स फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन हर मिनिस्ट्री जो है वो आंसेबल होती है लोगों के लिए मिनिस्टर जो है ही मिनिस्टर इज़ आंसरेबल टू द पीपल्स वाट आर द डिसीजंस टेकन बाई हिम दैट्स वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजंस और इसलिए जो है मिनिस्टर जो है सब फाइनल डिसीजन लेता है ही इज द फाइनल अथॉरिटी इन टेकिंग द डिसीजंस द मिनिस्टर डिसाइड ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन पॉलिसी शुड बी मेड मिनिस्टर जो है वही डिसाइड करता है कि व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क जिसमें उसको डिसीजन लेना है वो ही डिसीजन लेता है द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री हर मिनिस्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उससे ही आशा की जाए कि वो एक्सपर्ट हो और मिनिस्ट्री इन द मैटर ऑफ द मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री के मैटर्स में द मिनिस्टर टेक द एडवाइज ऑफ द एक्सपर्ट ऑन ऑल द टेक्निकल मैटर जो है वो एक्सपर्ट की एडवाइज लेता है टेक्निकल मैटर्स में बार वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन ऑन द्लेस बिफोर हर मोर दैन वन ऑप्शन बट वेरी ओपन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन एक्सपर्ट के पास अलग अलग ओपिनियन होती हैं और अलग अलग जगह होती है बिफोज हर मोर देन वन ऑप्शन एक ऑप्शन से ज्यादा डिपेंडिंग ऑन वाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज और ये निर्भर करता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है द मिनिस्टर डिसाइड्स ये मिनिस्टर डिसाइड क्या है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य क्या है एक्चुअली दिस हैपन इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है दो हुडरस्टेंड ओवरऑल पिक्चर्स टेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन और जो ओवरऑल पिक्चर्स बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग ओवरऑल पिक्चर को समझते हैं वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं नॉट द एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं लेता द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट एक्सपर्ट केवल रूट को बताता है बट समन विद ए लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन लेकिन जो व्यक्ति लार्जर व्यू रखता है वही डेस्टिनेशन को तय करता है इन डेमोक्रेसी जैसा कि आप जानते हैं इलेक्टिंग इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म देअ रोल इलेक्टेड मिनिस्टर जो है वो अपने रोल को परफॉर्म करते हैं